केंद्र वालों पेश आज किए गए बजट उत्ते जो भगवंत मान जी ने किता यूनियन रोस प्रकट। बजट पेश किया आओ सुनते हैं गया, की कहंदे हैं सीएम भगवंत मान। माननीय वित्त मंत्री साहिबा के द्वारा बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि उसमें पंजाब का कोई नामो निशान ही नहीं है। इससे पहले 26 जनवरी की झांकी पंजाब की गायब थी, रिपब्लिक डे से पंजाब गायब था, अब देश के बजट से पंजाब गायब है। ये समझ नहीं आती कौन सा बदला ले रहे हैं ये पंजाबियों से। हमने क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, हमने 1000 करोड़ रुपए की मांग की थी कि बीएसएफ उनको अपग्रेड करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन करने के लिए बॉर्डर की, क्योंकि ड्रोन वगैरह बहुत आते हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च करने के लिए, उसका नाम भी नहीं लिया गया। हमने प्री बजट जो डिमांड्स मांगते हैं राज्यों से, हमने उसमें मेंशन किया था कि वंदे भारत श्री अमृतसर साहब से और बठिंडा से जो है दिल्ली के लिए, उसका नाम भी नहीं लिया गया। जब मैं बतौर मेंबर पार्लियामेंट वहाँ लोकसभा में था तो मैंने एक आइडिया दिया था जो कि रेलवे मंत्री साहब ने एक्सेप्ट भी किया था कि रिलीजियस टूरिज्म के लिए बहुत एक पांचों तख्तों को जोड़ने वाली एक ट्रेन चले, जो अभी तो जो श्री अमृतसर से नदेड़ साहब जाती है उसकी 2-2 महीने की बुकिंग है, अगर आप श्री अकाल तख्त साहब से तख्त श्री केसगढ़ साहब तक अगला पड़ाव जो है तख्त श्री पटना साहब तक, उससे अगला पड़ाव तख्त श्री हजूर साहब नदेड़, उससे अगला पड़ाव जो है वो तलवंडी साहबों का हो और वापस फिर अकाल तख्त साहब, तो ये ऐसी ट्रेन जिसमें लाखों जो NRIs भी हैं वो भी पांचों तख्तों के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन उनको बहुत दिक्कत होती है, कोई नामो निशान नहीं है उसका। और कोई MSP नई फसल पे कोई MSP नहीं दी गई है। हमने कहा था कि 1500 रुपये पर एकड़ जो पराली जलाने की समस्या है उसमें 1500 रुपये पर एकड़ सेंटर दे दे, बाकी हम दे देंगे, लेकिन उसका भी नाम नहीं लिया गया। किसानों को तो मतलब अपने हाल पे छोड़ दिया गया, किस्मत पे छोड़ दिया गया है। और हम कॉलेज बना रहे हैं, 16 नए मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, इन्होंने कहा है कि जी के नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे, कब से खोलेंगे, कब से वो चल रहे होंगे, कोई उसमें डिटेल नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए काफ़ी सहूलतें दी गई हैं, अच्छी बात है, लेकिन शेड्यूल कास्ट के लिए कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है कि जो शेड्यूल कास्ट हैं, SC हैं, BC हैं, जो पिछड़े वर्ग से हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए, उनको उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए कोई पैकेज हो, तो सिर्फ कागज़ में लिपटा हुआ एक लिखती एक स्क्रिप्ट थी। इससे पहले भी बजट में पेश कहा गया था आने वाले 2023 में 2024 में हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, कहाँ दुगनी की है आय उनकी। MSP के नाम से तो ये सरकार मेरे ख्याल में सेंट्रल सरकार जो है चिढ़ती है, तो किसानों से एक किस्म का बदला लिया गया है क्योंकि उन्होंने आंदोलन किया था, इतना बड़ा आंदोलन किया था, तो किसानों के बारे में कुछ नहीं बोला गया, कोई MSP नहीं दी गई। और पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, हमें बहुत चैलेंजेस हैं, हमारी पुलिस को अपग्रेड करने के लिए, हमारे बॉर्डर को अपग्रेड करने के लिए हमने एक सजेशन दिया था कि जो तार के पार 3-3, 4-4 किलोमीटर तार के पार ज़मीन है, क्यों ना तार को हम 200 मीटर तक ले जाएं, इंटरनेशनल लॉ है कि 150 मीटर तक आप लेके जा सकते हो, लेकिन हम कहते हैं 200 मीटर तक ही ले जाओ, ताकि जो तार के पार जिनकी ज़मीन है वो किसान जो हैं उनको आई कार्ड दिखा के, और BSF का भी टाइम उनकी फिस्किंग में तलाशी लेने में जाता है, BSF खुद जाती है खेती करवाने के लिए, तो के 200 मीटर तक तार ले जाएं तो बहुत सी ज़मीन जो है वो तार से इधर आ जाएगी, बहुत किसानों को फ़ायदा हो जाएगा, उसका कोई मेंशन नहीं किया गया। तो मुझे तो लगता है ये कोई बदला ले रहे हैं पंजाब से, लेकिन पंजाब जो है
वो एक ऐसी स्टेट है जिसने 90% कुर्बानियां देश को आज़ाद करवाने में और अभी भी देश की आज़ादी को कायम रखने में हम कुर्बानियां दे रहे हैं। तो ऐसा पंजाब के साथ अन्याय जो है वो अच्छा नहीं है। और हम जब डिमांड फॉर ग्रांट्स बजट पे डिबेट चलेगी तो हमारे जो साथी सांसद हैं राज्यसभा में, हम ये बातें माननीय वित्त मंत्री जी को याद कराएंगे कि पंजाब को आप देश का हिस्सा मानो, पंजाब को देश में से मनफी नहीं कर सकते, क्योंकि पंजाबी हैं जो पूरे देश को खाना भी खिलाते हैं, पंजाबी हैं जिन्होंने हरा इनकलाब ला के देश को अनाज के मामले में जो आत्मनिर्भर बनाया था। तो अब उनको ऐसे छोड़ना, लावार छोड़ना अच्छी बात नहीं।